Hello dear student, this is Vipin here. I am again came back with my new video on our channel Educational Hike, and in this particular video I am going to explain the revised syllabus and paper pattern for this session of 2020 and 21. ठीक, तो देखिए ये पर्टिकुलर वीडियो स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है. जैसा आप सभी को पता है कि कोविड 19 पेंडेमिक के कारण क्लास 9 टू लेके 9th टू 12th तक के सिलेबस को रिफॉर्म कर दिया गया है. तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है. इसमें मैं एसएसटी सब्जेक्ट्स में जो चेंजेस हुए हैं उन्हीं चेंजेस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में. ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करूँगा. ठीक, और एक चीज़ आप लोग को ये भी बता दूँ कि सिलेबस के कम होने से, ठीक है, सिलेबस के चेंज हो जाने से आपके पेपर के पैटर्न पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है. पेपर में जैसे नंबर ऑफ 35 क्वेश्चंस थे तो नंबर ऑफ 35 क्वेश्चंस अभी भी आएंगे. सेकंड थिंग आपको बता दें कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैथ द फॉलोइंग, पैसेज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से आएंगे. बस यही है कि कुछ चैप्टर्स कट गए हैं, उन चैप्टर्स में से कुछ भी आना नहीं है, लेकिन जो चैप्टर्स आपके हैं उन चैप्टर्स में से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे. तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि 20 मार्क्स हमारे हिस्ट्री में से हैं, 20 ज्योग्राफी, 20 सिविक्स एंड 20 इकोनॉमिक्स. तो टोटली हमारा 80 मार्क्स होता है डिस्क्रिप्टिव, और 20 मार्क्स हमको क्या कहते हैं स्कूल के इंटरनल असेसमेंट से मिल जाते हैं. ठीक, तो आपको बता दें अब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स केवल हमें 14 ही कवर करने हैं. हिस्ट्री में से 2, सिविक्स में से 4, ज्योग्राफी में से 4 एंड इकोनॉमिक्स में से 4. ठीक, तो आइए वन बाय वन हर एक पार्ट्स को समझते हुए चलते हैं. एक और चीज़ आपको बता दें वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं. इकोनॉमिक्स में पहले भी 4 चैप्टर थे, अभी भी 4 चैप्टर्स हैं. इसमें से कोई भी चैप्टर रिमूव नहीं किया गया. ठीक, रिमूव अगर हुए हैं तो केवल हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी से. तो आइए हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री और सिविक्स और ज्योग्राफी में से कौन कौन से चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स इस बार आपके 2020 और 21 सेशन में रहेंगे. देखिए, हिस्ट्री बताया आपको अभी मैंने, 20 मार्क्स आपके हिस्ट्री में से आते हैं. तो जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए में आपके 2 चैप्टर्स थे. चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और चैप्टर नंबर 2 आपके नेशनलिज्म इन इंडिया. ये दोनों चैप्टर्स आपके इस बार 2020 और 21 के सेशन में रहेंगे. और ये याद रखिएगा नियर अबाउट 12 to 13 मार्क्स आपके नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा और 8 to 9 मार्क्स आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से आएगा. यही दो चैप्टर्स इस बार हमको हिस्ट्री में कवर करने हैं. आपके चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, आपका चैप्टर नंबर 4 द एजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड. ये तीनों इस बार 2020 और 2021 के रिवाइज सिलेबस में से हटा दिए गए हैं. ओनली फॉर दिस ईयर, ओके, इसी ईयर के लिए हटाए गए हैं. ऐसा नहीं कि अपकमिंग ईयर्स में हटा दिए गए हैं, केवल इसी ईयर के लिए इन तीनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है. एक और चीज़ आपको बता दें कि चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4, इन दो में से कोई एक चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है ओनली फॉर योर स्कूल असेसमेंट टेस्ट. जो स्कूल में आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है उस पीरियोडिक टेस्ट के लिए आपको केवल 2 में से कोई एक चैप्टर कवर करने हैं, लेकिन बोर्ड में ये दोनों के दोनों चैप्टर नहीं आ रहे हैं. और चैप्टर नंबर 5 आपका प्रिंट आर्ट, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड भी नहीं आ रहा है. तो टोटली आपका ये तीनों चैप्टर हिस्ट्री के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगा. हिस्ट्री में से हमें केवल 2 चैप्टर्स कवर करने हैं. फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 मीन्स द मेकिंग ऑफ, सॉरी, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को हिस्ट्री का समझ में आ गया है. अब लोग चलते हैं ज्योग्राफी की ओर. देखिए, ज्योग्राफी भी 20 मार्क्स का है और ज्योग्राफी में हमको केवल 4 चैप्टर्स इस बार कवर करने हैं. कौन कौन से? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफ लाइन ऑफ एन इकॉनमी. यही 4 चैप्टर्स इस बार हमको ज्योग्राफी में कवर करने हैं और 3 चैप्टर्स आपके हट गए हैं. 2 तो पहले ही हटे थे, 1 इस बार भी हट गया. जैसे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है. इसमें से ना तो कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर आने हैं, ना तो कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने हैं, सॉरी, और ना ही कोई मैप आना है. वाटर रिसोर्स और मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज से 1-1 नंबर का मैप आएगा. बाकी इन दोनों चैप्टर्स में से कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आने हैं. तो स्टूडेंट्स, इस बार हमें केवल इन्हीं 4 चैप्टर्स पे फोकस करना है. ठीक, सिलेबस आपका बहुत कम हो गया है. अगर अगस्त 15 अगस्त के बाद अगर हमारा स्कूल खुलता है तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा कि हम इन सभी चैप्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर सकें. ठीक, अब देखिए, सिविक्स भी आपका 20 मार्क्स का है. आपको पता है कि मैप आपका ना तो सिविक्स से आता है ना तो इकोनॉमिक्स से. मैप आपके आते हैं केवल हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से. 4 नंबर के मैप आपके ज्योग्राफी से आते हैं और 2 नंबर का मैप आपके हिस्ट्री से आता है. ठीक, तो सिविक्स में से कौन कौन से चैप्टर कट गए हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं? तो आपका पावर शेयरिंग,
फेडरलिज्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये चारों पार्ट चैप्टर 2020 और 2021 का जो ये रिवाइज सिलेबस है, इस सेशन में ये चारों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। और डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, ये चारों चैप्टर्स इस बार 2020 और 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मींस इन चारों चैप्टर्स से कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं आने हैं। इसका मतलब ये है कि केवल इन्हीं चार चैप्टर्स पे हमें फोकस करना है, और ये चारों चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, इन्हें पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आती है। ओके, और एक बात आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इकोनॉमिक्स में जो चार चैप्टर थे वही चार चैप्टर आपके हैं, आपको उन चारों चैप्टर्स को कवर करना है। तो जो भी चेंजेस थे आपने उनको देखा। अब एक चीज़ इससे आपको ये बता दें, क्या इन चेंजेस से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर के पैटर्न पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। इस रिफॉर्म से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आइए बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, और मेरे हिसाब से उसी प्रकार से इस बार भी आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपके तीन सेक्शंस में आपके क्या कहते हैं पेपर को डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन C1 एंड C2 कह सकते हो, या CA या CB कह दो। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए से 20 मार्क्स आते हैं, और ईच मार्क्स आपके ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी से आपके 24 मार्क्स आते हैं, और ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन सी से आपके क्या कहते हैं 36 मार्क्स आते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स, और ईच नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं। तो आइए एक बात समझते हैं। ठीक, अब देखिए, सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन आने हैं, और 20 क्वेश्चंस आपके एक एक मार्क्स के होंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल अप, मैच द फॉलोइंग, री राइट द स्टेटमेंट, एजर्शन एंड रीजन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में रहेंगे। सेक्शन बी में आपके शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होंगे, और ये शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसकी क्या कहते हैं वर्ड लिमिट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स होती है। 50 वर्ड से ज़्यादा आपको इसमें लिखना नहीं होता, मींस मतलब 40 टू 50 के बीच में हम इसको कन्फाइन करते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, सेक्शन सी आपके 2 पार्ट से बटा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए जो है उसमें आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का होगा। मींस ये लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं, इनकी वर्ड लिमिट 100 टू 120 के बीच में होती है। ठीक, और जो आपका सेक्शन C2 है या CB है, उसमें आपका एक मैप आता है, और ये 6 मार्क्स का होता है। इसमें 4 नंबर का मैप आपके ज्योग्राफी से होता है, और 2 नंबर का मैप आपके हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से आता है। तो स्टूडेंट्स, जो ये रिवाइज सिलेबस आया है 2020 और 2021 का, इससे आपके पेपर के पैटर्न पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप लोग इस रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को तैयार करिए।